हेलो बच्चों, कैसे हैं? मोस्ट प्रोबेबली सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? पढ़ाई भी ठीक चल रही है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। द चैप्टर इज नोन एज एनवायरमेंटल इश्यूज। 12th क्लास का टॉपिक है, इकोलॉजी यूनिट का टॉपिक है और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, डेट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं? ठीक है, तो हम इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंटली एनवायरनमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं कि जिसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज फ्यूचर जनरेशन के लिए जो एनवायरनमेंट हम छोड़ के जाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्स होने वाला है। ठीक है, तो उन इश्यूज को हम यहाँ पर पूरा एड्रेस करेंगे आज। ठीक है, तो बेसिकली हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करें। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, चलो पहले तो ये बताओ कि अभी सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ क्या चल रही है। मोस्टली बच्चा एक आंसर देगा कि मोस्टली जो अभी सबसे बड़ी परेशानी चल रही है वो है पॉपुलेशन की। कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। बात समझ रहे हो? मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बेसिकली क्या होगा, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होंगी, जो ह्यूमन की वजह से जो जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनकी वजह से क्या है, हम खुद हमारे इस एनवायरनमेंट को हमारे लिए खुद के लिए एडवर्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास फूड होना चाहिए। इसको अगर फीड करना है तो फूड चाहिए, है ना। बट कई बार बच्चे बोलेंगे कि सर फूड भी तो हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा यूज में ले रहे हैं तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बायोटेक हम यूज में ले रहे हैं उसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो हमने बोला बिल्कुल सही बात है, फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है बट पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो अगर मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन और फूड का हम रेशियो अगर निकालें, तो अगर हम बोलते हैं जैसे कि हम बात करें कि पॉपुलेशन, देखो एक तरफ तो है पॉपुलेशन, वो किस तरीके से बढ़ रही है, वो बढ़ रही है इन द अरिथमेटिक फॉर्म, 1 फिर भी 2 फिर भी 4 फिर भी 8। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं, ये कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक मतलब कि जस्ट अपने आप को पॉपुलेशन क्या करती जा रही है, डबल करती जा रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 टू 16, 16 टू 32, बढ़ा सकते हो आगे। पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है, बट हम जब बात करें फूड की, तो जो फूड है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बढ़ रहा है फूड। मतलब फूड तो अर्थमेटिक की तरह बढ़ रहा है और जो हम पॉपुलेशन बात करें तो वो ज्योमेट्रिक बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें शुरुआत में, जब पॉपुलेशन कंट्रोल में थी, पॉपुलेशन शुरुआत की हम बात करें, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो फूड तो काफी था, पॉपुलेशन भी ठीक ठीक थी, तो दोनों सर्वाइव कर पा रहे थे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मतलब अराउंड, हम बात करें अराउंड 1900 की स्टार्टिंग की बात कर ले, हम तो वहां से स्टार्ट करना चालू करते हैं, लास्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, पर है ना, पॉपुलेशन थी, फूड था, कोई दिक्कत नहीं थी, जितनी पॉपुलेशन थी फूड उसको आराम से मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में 10 साल बाद तब भी कोई दिक्कत नहीं आई, 10 साल या 20 या 30 साल का डिफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन 2, फूड भी 2, इस रेशियो में बन रहा है कि भाई जितनी पॉपुलेशन है उतने फूड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहां दिक्कत आना स्टार्ट हुई, पॉपुलेशन अभी 4 और अब 25% लोगों को फूड नहीं मिल रहा है। अब बोलोगे 50% को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो फूड तो 4 के लिए है और पॉपुलेशन हो गई है 8। तो इस तरीके से ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, और फूड की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट को हमको कंप्लीट करना है कि यहां पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस वो फूड पूरा इसको मिल जाए, तो ये फूड हमें बढ़ाना जरूरी है। और अगर फूड को हमको बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ज्यादा से ज्यादा यूज में लेना पड़ेगा, और अगर हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो जो आपका फार्मर है वो क्या काम करता है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स पता नहीं नए नए केमिकल फूड के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है फूड प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, बट क्वालिटी जो है
वो क्वालिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सब क्या करते हैं, सीधे हमारे रिवर के अंदर या फिर जो नदी नाले होते हैं वहां चले जाते हैं सीधे, और वो सिंपली वाटर बॉडीज को क्या कर रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में अच्छे से? तो मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो जो पॉल्यूशन है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तुम बोलोगे कि ठीक है सर ये बात समझ में आ गई कि पॉपुलेशन इज अ मेन रूट कॉज, यही एक रूट कॉज है जो इस पॉल्यूशन को बढ़ा के जा रहा है। अब एनवायरमेंट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो किस चीज से इफेक्ट होगा, वो हमारे पॉपुलेशन से इफेक्ट, पॉल्यूशन से इफेक्ट होगा। पॉल्यूशन अगर ज्यादा है, पॉल्यूशन किस भी चीज का हो सकता है ना, अभी डेफिनेशन देखेंगे, बट अभी हम नॉर्मल वर्ड पॉल्यूशन हम जानते हैं सब बच्चे पॉल्यूशन क्या है, एक नॉर्मल डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर अभी, है ना। तो हम जानते हैं अगर पॉल्यूशन सॉइल का हुआ, वाटर का हुआ, एयर का हुआ, नॉइज का हुआ, कोई सा भी अगर पॉल्यूशन है तो वो सब के साथ हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या क्या है हमारे लिए प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई। तो हमें इस चीज को एड्रेस करना है कैसे भी करके पॉल्यूशन को, तो अगर हम देखना स्टार्ट करें सबसे पहले तो पॉल्यूशन क्या है, हम पॉल्यूशन की डेफिनेशन यहां से लेके जा रहे हैं। इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। मतलब कि एयर, लैंड, वाटर और सॉइल जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसा चेंज आ जाए जो हम नहीं चाहते हों, ऐसा कोई चेंज आ जाए, जैसे पानी है, सपोज अभी बात करें एक बॉटल है पानी की, इसके अंदर मान लेते पानी भरा हुआ है, जैसे इससे पानी भरा हुआ है थोड़ा बहुत, अब ये पानी पीने लायक है, पी सकता हूँ इसको आसानी से, बट अगर इसके अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाए जैसे मैं इसको पी नहीं पाऊं, तो वो चेंज कैसा हो जाएगा मेरे लिए, अनडिजायरेबल, वो चेंज मैं नहीं चाहता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल चेंज हो जाएगा। आधी बात समझ में अच्छे से? ठीक है, तो ऐसा कोई चेंज, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी फिजिकल में चेंज आ जाए, मान लेते हैं फिजिकल जैसे अगर लिक्विड फॉर्म है तो गैसेस फॉर्म में आ जाए, और उसके अंदर दूसरे जो और लिक्विड है जो वोलेटाइल फॉर्म में वो भी सब मिक्स हो जाए आकर, केमिकल उसका जो एसिडिटी है बेसिसिटी उसमें चेंज आ जाए, वो एसिडिक नेचर उसका ज्यादा हो जाए या बेसिक नेचर उसका ज्यादा हो जाए, वो भी चेंज हो सकता है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या, उसके अंदर हम ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई उसके अंदर पर्टिकुलर वायरस जो एक होस्ट स्पेसिफिक हो ऐसी चीज उसके अंदर मिक्स हो जाए, जिसकी वजह से उसकी अब पूरा टेक्सचर और उसका जो भी अंदर का जो भी इंटीरियर है वो सब क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं, पॉल्यूशन बोल देते हैं। इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, इसी चीज को अपन ने क्या बोला, पॉल्यूशन, और यही चीज क्या है आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन। चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है मैं स्टार्टिंग बताना भूल गया, क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दबाजी में अपन ने स्टार्ट कर दिया, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 3 questions का ये चैप्टर है, कम से कम 3 का है, 3 questions का चैप्टर है, इसको प्लीज 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 कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस भी पूरे पूरे रहते हैं। सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन एयर, एयर क्या है, चलो पहले बताओ एयर क्या है, हमने बोला एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे हम, बट एयर क्या है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जिसका मिक्सचर है, उसी चीज को हमने क्या बोल दिया, एयर बोल दिया। अब एयर के अंदर कोई अनडिजायरेबल चेंज आया है, ठीक है, तो वो चेंज जो आया है जो हम नहीं चाहते थे, ऐसा कोई चेंज आ गया एयर के अंदर, उसके अंदर कोई ऐसी गैस आके मिक्स हो गई जो हमारे लिए हार्मफुल हो या प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो, वेजिटेशन के लिए हार्मफुल हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एयर पोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, may also be defined as any atmospheric condition in which substances are present at concentration above their normal permissible level to produce a measurable effect on man, animal, vegetation or material। मतलब कि ऐसी कोई atmospheric condition in which substances are present at concentration above their permissible level, मतलब एक fixed level है, ठीक है कि भाई इस लेवल तक अगर ठीक है, जितना इसके अंदर मिक्सिंग हो रही है गैसेस की तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इससे ज्यादा मिक्सिंग हो गई तो हमारे लिए क्या है, वो नुकसानदायक है। तो एक परमिसेबल लेवल होती है, गवर्नमेंट इसको क्या कहते हैं, मतलब सेट करती है नॉइज पॉल्यूशन में, डेसिबल में सेट करती है, पार्ट्स पर मिलियन में ये चीजें सेट होती है कई बार, ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं कि भाई हाँ इतना अलाउड है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके से ज्यादा हो गई तो आपके पॉल्यूशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज चेक करेगी आपकी एयर पॉल्यूशन। अब अगर अपन बात करें, ध्यान रखना है भाई, यहां से चीजें ध्यान रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना, चलो 1981 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया आपका, 1981, ठीक है,
तो इसमें क्या बोला गया था, इसमें बेसिकली अपने क्या किया था, सिंपल प्रिवेंशन कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल के अंदर ये एक्ट 1981 में पार्लियामेंट में पास किया गया, और इसमें यूं बोला गया कि भाई क्या क्या रूट कॉजेज हो सकते हैं एयर को पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होने के, पहली चीज तो ये देखी गई। दूसरी पहला रूट कॉजेज देखे गए भाई ये रूट कॉजेज है। दूसरे में क्या किया कि अब हमें किस किस चीज से प्रिकॉशन लेना है, ये इसके अंदर पॉइंट्स बनाए गए। फिर क्या, अब हमें आगे और क्या करना है, किस चीज से बचना है और आगे और क्या क्या करना है, क्या हमें कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज में लेना है जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, हमें पेट्रोल के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं जिसकी वजह से उसके अंदर से जो धुआं बाहर निकलता है उसके अंदर वो पॉइजनस थोड़ा कम हो, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर हमें देखने को मिली उस एक्ट के अंदर, तो गवर्नमेंट ने सेटअप तो कर दिया, नो डाउट, बट हम कौन मानते हैं, मानते हैं बट ऐसा नहीं मानते। तो गवर्नमेंट ने काम और भी किया था इसके अंदर, उन्होंने बोला कि यार ये बात तो ठीक है कि एयर में जो भी इसकी क्वालिटी है वो बिगड़ती जा रही है धीरे धीरे, मान लिया, क्यों ना एयर जो खराब हो रही है मोस्टली किस चीज की वजह से हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार मोस्टली जो मोटरसाइकिल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उसकी वजह से एयर की क्वालिटी क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि एयर क्वालिटी को सही किया जाए, तो सबने बोला कि हम एक काम करते हैं कि जो बेसिकली बाइक्स हैं उसके अंदर जो पेट्रोल है उस पेट्रोल की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें पहले, ठीक है ना। अगर उस पेट्रोल की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बेसिकली वो स्मोक जो छोड़ेगा, जो एग्जॉस्ट उससे जो निकलेगा वो कम पॉइजनस होगा। तो उन्होंने लगा कि ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमको व्हीकल्स के इंजन के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और उसी को क्या कर दिया गया, एक्ट बना दिया गया, जिसका नाम था एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, जो कब था, 1981 में, ठीक है। चलो अब समझते हैं आगे। एन एयर पोल्यूटेंट इज एनी, एयर पोल्यूटेंट क्या है, एनी सॉलिड लिक्विड और गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन सच कंसेंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू इंजूरियस टू ह्यूमन बींग और अदर लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट्स और प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट। मतलब कि एयर के अंदर इनमें से ऐसी कोई भी चीज, सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस जो किसके लिए इंजूरियस हो, ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए, किसी प्रॉपर्टी, किसी एनवायरमेंट के लिए। जैसे कि अगर अपन बात करें, तुम जानते हो मथुरा ऑयल रिफाइनरी बहुत फेमस एग्जांपल है, सब जानते हैं कि उसी की वजह से जो ताजमहल है उसके जो ऊपर का जो मार्बल है वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे येलो होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, सब एयर पोल्यूशन की वजह से है, ठीक है। तुम खुद देखते हो कई बार, अगर ज़रा समझना इस चीज़ को, कई बार बहुत से लोग छत पे सोते हैं रात में, कि हम छत पे सोएंगे आज रात को, अगर उनके आस पास अराउंड 5 to 10 kilometers की दूरी पर भी, 5 kilometers की दूरी पर भी कोई अगर इंडस्ट्री सेटअप है जहाँ चिमनीज लगी हुई है, तो चिमनी से जो धुआं आता है, तो सुबह अगर उठोगे आप तो आप देखोगे हल्का सा मुंह को साफ करोगे रुमाल से तो देखोगे वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वहां से जो बेसिकली जो इम्प्योरिटीज निकल कर आ रही हैं उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, तो हवा में वो आएंगे तो धीरे धीरे सेटल डाउन होती जाती है, धीरे धीरे आगे आता जाता, तो आपके ऊपर आएगी धीरे धीरे। इसी वजह से हमारे जो टेरेस है वहां पर, जबकि हम जानते हैं इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ रही आसपास में, तब भी ब्लैकिश एश टाइप, जैसे हम कोटा की बात करें तो कोटा में क्या है आपका, थर्मल पावर स्टेशन है, तो या तो यहाँ की जो टेरेसेस होती हैं उस पर अगर आप शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे भी चलोगे ना बिना चप्पल के, तो आपके पैर गए थोड़े से ब्लैक ब्लैक नजर आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से जो एश उड़कर आ रही है वो एश क्या है, आपकी छतों पर सेटल डाउन होती है धीरे धीरे, और वही क्या है आपके एयर पोल्यूशन भी कॉज कर सकती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, और वही पार्टिकल साइज अगर आप उसको अपने इनहेल कर लोगे तो इनहेल करने की वजह से क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अस्थमेटिक लोग जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि अगर वो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में रह रहे हैं जहां पर आपकी क्या है, पार्टिकुलेट मैटर एयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में बहुत ज्यादा है, तो ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे, तो हमने बोल दिया ह्यूमन बीइंग के लिए भी इंजुरियस है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, किस चीज से पोल्यूटेंट किससे कनेक्टेड है, हमारे लंग्स से कनेक्टेड है। क्यों? हमने जैसे ही इनहेल किया, ट्रेकिया से होते हुए सीधे कहां चले गए, लंग्स के अंदर चले गए, तो लंग्स के अंदर जाके क्या करते हैं, एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है। एलर्जी कॉज होगी तो हमें अस्थमा भी हो सकता है, खांसी आएगी, दिक्कत आएगी सांस लेने में, बहुत सी चीज हो सकती है। प्लांट्स के ऊपर क्या दिक्कत आएगी, प्लांट्स के ऊपर हम जानते हैं जो स्टोमेटा है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर इफेक्ट आ सकता है, लेंटी सेल्स पर आके एक्युमुलेट हो सकती है, जिससे लेंटी सेल्स क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ये सब चीजें हो सकती है। प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट एज अ होल बात कर रहे हैं तो वहां पर तो दिक्कत आ ही सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार और इस पॉइंट को, एयर पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था, 1981 में। एन एयर पॉल्यूटेंट इज एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस, चाहे वो नॉइज भी हो सकती है, प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर
इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू ह्यूमन बींग और अदर लिविंग क्रिएचर प्लांट्स और प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट. ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया. आगे देखें, एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट एनी अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट. तो जो भी ऐसे एजेंट्स है, तो एजेंट्स किसको बोला गया है? सॉलिड को, लिक्विड को और गैशियस को. इन एजेंट्स को अपन ने क्या बोल दिया है यहाँ पर? अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बोल दिया है. और यही सब चीज किसके अंदर आ जाएगी? पॉल्यूटेंट्स के अंदर आ जाएगी. ठीक है ना. तो अगर अपन बात करें, याद रखने वाली बात है भैया ना, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंट पॉल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 to protect and improve the quality of our environment, air, water and soil. Important है भाई, दोनों points important है, क्योंकि इसके अंदर basically ये चीज आ रही है important. कहाँ गई? Date, ये नाम. Important है, इसको please याद कर लेना, काम की चीज है. Exam में आने के पूरे पूरे chances हैं, हम इसको ऐसा मानते हैं. ठीक है, तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि यार पॉल्यूशन से पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं. ठीक है, तो अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर सपोज है ना, मेरा पानी है मेरे पास, और पानी के अंदर मान लेते हैं अपन कोई ऐसी अनवांटेड चीज डाल देते हैं. ठीक है ना, जैसे कि चलो हमने ऐसा किया, अनवांटेड चीज में जैसे कि कोई भी ऐसा सॉल्ट आ गया जो मेरी बॉडी के लिए कैसा पॉइजनस है, तो हम क्या बोलते हैं? दैट सॉल्ट विल एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट, और उसकी वजह से वाटर के अंदर क्या हो गया? पॉल्यूशन हो चुका है. ठीक है, चलो बहुत अच्छा. आगे देखें, अब क्या होता है, हमें एयर की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है ना, एयर की कंपोजिशन अगर अपन बात करें, तो मेरे हिसाब से सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आते हैं अपन ये चीज कि एयर के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है. तो हम जानते हैं बचपन से कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा. ठीक है ना, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कौन? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसके अंदर हीटरोसिस प्रेजेंट होता है. याद आ रहा है कुछ हल्का? इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होती है, NIF जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन प्रेजेंट होती है. याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का? तो नाइट्रोजन कितना है? सबसे ज्यादा अमाउंट में यही मिलेगा. तो अपन ने परसेंटेज बाय वॉल्यूम हमने यहां पर काउंट कर रखा है, और अपन के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रहे इस चीज का. नाइट्रोजन कितना है? अप्रोक्स टू 79% होता है. ऑक्सीजन अप्रोक्स टू 21% ऐसे चलता है. चलो तब भी हम एक प्रॉपर डेटा देखें, तो नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन है 0.9%, एंड दूसरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि अपन बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या है आपकी? 0.06% है. तो ओवरऑल एयर की कंपोजिशन है प्रॉपरली कंप्लीट. ठीक है, चलो आगे देखें. अब हमारे सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? सोर्सेज आपके दो तरीके होते हैं, नेचुरल सोर्स हो सकता है और एक आपका मैन मेड हो सकता है. नेचुरल सोर्स कौन से सोर्स होंगे? नेचुरल सोर्स वो होंगे जो नेचर में अपने आप बनते जा रहे हैं. जैसे कि अगर अपन बात करें वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो है, वहां पर इरप्शन हुआ, लावा बाहर निकला, तो वहां पर नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज आपको बाहर निकलती हुई मिलेगी. तो वो क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल सोर्स हो जाएंगे एयर पोल्यूशन के. मैन मेड में क्या हो जाएगा? मैन मेड जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो रही है. हमारी एक्टिविटीज की वजह से कौन कौन है? हमने इंडस्ट्री सेटअप की है भाई, हमने जो इंडस्ट्री सेटअप की है, तो उसका जो एफ्लुएंट बनाया है उसको अपन क्या करते हैं? यार ठीक है कहीं भी निकाल दे. हम खुद देखते हमारे घर में क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, क्या ठीक है हमारे घर का जो वेस्ट है वो कहां निकलेगा, एक काम करो बाहर की जो नाली है वहां पे इसका आउटलेट निकाल दो ताकि वहीं जाता रहेगा. हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो आउटलेट सीधा जाके रिवर में मिल रहा है, और रिवर ही तो हमारा मेन सोर्स है, वो पानी पी रहे हैं. हम ये नहीं ध्यान दिया उस टाइम. तो अभी क्या टैंकर्स बनाते हैं, बेसिकली म्यूनसिपालिटी क्या टैंकर्स बनाती है, उस टैंकर्स के अंदर जो वेस्ट मटीरियल है वहां पर जाता है. ठीक है, तो अब क्या है, मैन मेड भी रहे. मैन मेड में क्या क्या रहा? जैसे कि मोबाइल एंड स्टेशनरी. तो स्टेशनरी कौन? जैसे हमने क्या किया, इंडस्ट्री सेटअप करी. ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज हमने सेटअप करी, ये सब किसमें आ जाएगी? आपकी स्टेशनरी में. जहां पर एक पॉइंट है वहां से आपके सारे एयर पोल्यूटेंट्स जो है बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो आपकी से और चीजों को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, चाहे कोई वेजिटेशन हो, चाहे कोई मॉन्यूमेंट हो, चाहे आपका पूरा कंप्लीट एनवायरमेंट ही क्यों ना हो. और कई बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो सॉइल है, उस सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको पूरा खराब कर देता है ये पोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है. मोबाइल, ये मोबाइल वो वाला नहीं है जो हम हाथ में लेते हैं. ये मोबाइल कौन सा मोबाइल है? मैन मेड एयर पोल्यूशन में जो मोबाइल पोल्यूटेंट्स है, जो मोबाइल सोर्स है एयर पोल्यूशन के, वो कौन है? मोबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके. तो जैसे तुम जानते हो व्हीकल्स, व्हीकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल वालों का. कैसे?
एक जगह से दूसरी जगह बाइक लेकर गए, उसके अंदर से गैसेस बाहर निकल रही है, डिफरेंट डिफरेंट हाईली टॉक्सिक गैसेस बाहर निकलती जा रही है। तो हाईली टॉक्सिक गैसेस जो बाहर निकल रही है वो सब किसके अंदर आ जाएगी, इसी के अंदर, क्योंकि अगर बाइक एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो ड्यूरिंग द रूट, जिस रूट पर वो जा रही है वहां पर उसने एयर पोल्यूशन को कॉज किया है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मैन मेड है उनको अपन क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। क्या ये बात समझ में आ गई? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ये सारे मैन मेड आपके सोर्स बन सकते हैं, मोबाइल सोर्स भी हो सकता है, स्टेशनरी सोर्स भी आपका ये हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत हो जल्दी बोलो, हम बहुत बेसिक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं चीजें, हम ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं लेके चल रहे हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन को हमने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ध्यान रखना, यहां पर एक चीज लिखी हुई है ओटीबीओ। ओटीबीओ का मतलब क्या होता है, हम लिख देते हैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ। ध्यान रखना अगली बार से ओटीबीओ लिख, तुम भी लिख दिया अगर बताइए, तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म के नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओटीपीओ मतलब कि पोल्यूटेंट का फिजिकल स्टेट क्या है या पोल्यूटेंट का ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला तो क्या है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, दूसरा क्या है उसका ओरिजिन क्या है। जैसे कि अगर अपन बात करें फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट कैन बी गैसियस और कैन बी पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में आपको कौन आ जाएगा, सॉलिड और लिक्विड आ जाएंगे और एरोसोल, ये सब चीज आ जाएगी। गैसियस की अपन बात करें तो गैसेस, तो अगर सिंपल और गैसेस फॉर्म में है उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सा, गैसियस है, और या फिर वो पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट के अंदर क्या होता है, बहुत छोटी छोटी साइज के वो पार्टिकल होते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में मिलेंगे। तुम यूं नहीं बोलोगे इसके अंदर तो बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, तो पार्टिकुलेट में, पार्टिकुलेट के अंदर मतलब ये है कि अगर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि हमने बोला 2.5 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर के स्टोन्स, ठीक है ना, इतने छोटे छोटे एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में मिले, है ना, 1.5 माइक्रोमीटर के जो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में मिलेंगे, जिसको हम सांस लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर वो आसानी से जा सकते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पार्टिकुलेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा है आपका ओरिजन। ओरिजन के बेसिस पर जो पॉल्यूटेंट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, जो मेन सोर्स ऑफ द पॉल्यूटेंट है, जो बेसिकली जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस है, NO2 नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बना वहां पर, सल्फर डाइऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सब क्या है, बेसिक फॉर्म है, पॉल्यूटेंट्स के बेसिक फॉर्म है। बट अगर इन्हीं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का रिएक्शन करवा के सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट दे दी या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो आपस में रिएक्ट कर गए और रिएक्ट करके मोर हार्मफुल सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या चीज है, जो बेसिक मेन सोर्स है वहीं से जो बने हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, इनके रिएक्शन की वजह से क्या बनेंगे, आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनेंगे। तो देखा जाए तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमेशा होता है लेस हार्मफुल, बट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज मोर हार्मफुल, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, मिल रहे हैं बहुत सारे, मिलकर क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में हम एग्जाम्पल कर लें तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड को ले सकते हो, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आप स्मोक ले लो, ठीक है ना, पेन ले लो, ठीक है ना, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे आ सकते हैं इसके, ठीक है ना, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब अभी आगे अपन देख लेंगे, सारे एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो इसको फटाफट अपन क्या करें, कॉपी करें जल्दी से, फिर उसके बाद का अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करना है पॉल्यूटेंट्स के बारे में, जल्दी कॉपी करो इसको फटाफट। ठीक है, तो आगे देखें, चलो बहुत बढ़िया है ना, चलो हम पॉल्यूटेंट्स देख रहे हैं। बेसिकली जो कॉमन पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां बहुत कॉमन पॉल्यूटेंट है, ओजोन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, लेड। अगर अपन बात करें, चलो सिंपल अगर इसको अपन डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें थोड़ा सा, एक बार कोशिश करें, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सिंपल बनेगा, कैसे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जरा बताएं, CH4 प्लस इन लेस अमाउंट ऑफ O2, मतलब कि लिमिटेड O2, अगर कम O2 में इसको हम कंबशन कराएंगे क्या बनेगा, CO प्लस H2O, और साथ में एनर्जी निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, बनेगा ना यहां पर। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट एक तरीके से, अगर अपन बात करें ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट, कैसे बनेगा अभी अपन देखेंगे आगे, है ना।
ऑक्साइड्स, सारे जो भी ऑक्साइड्स है सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। पार्टिकुलेट मैटर आपके क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट ही है सारे, क्योंकि इनकी जो सस्पेंडेड साइज है वो आपको एयर के अंदर मिल जाएगी। लेड एक खुद एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या, पीबी। चलो सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड वाली बात करें, चलो है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने अभी देखा कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो हमने देखा कि जब हम CH4 या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर अपन ले, ऑक्सीजन की क्या है थोड़ी स्कैर्सिटी हो, कमी हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ हमने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, हम जानते हैं, हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दैट इज हाईली पॉइजनस गैस। और जब हम जानते हैं ये चीज कि जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ भी ये बहुत ज्यादा रेडिली बाउंड होता है, इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ये इसके साथ आसानी से बाइंड अप कर जाएगा। और अगर ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर बाय मींस ऑफ हीमोग्लोबिन उसके साथ बॉडी के अंदर जाएगा और टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या है समझना इस चीज को, तुम ये चीज भी जानते हो कि बॉडी के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इफ प्रेजेंट देन इट विल मोर रेडिली बाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हीमोग्लोबिन को तीन चीजें दे दी जाए कि भाई जब ऑक्सीजन भी है तब कार्बन डाइऑक्साइड भी है तब कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो किससे बाइंड करना पसंद करेगा, तो क्या बोलेगा, मैं इससे बाइंड करूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि एफिनिटी इसकी बहुत ज्यादा है इसके साथ। ठीक है, तो अब इससे बाइंड कर गया। तो तुमने कई बार सुना होगा ऐसा कि जो खेत में बहुत गांव में जो बहुत से लोग रहते हैं वो रात में एक सिगड़ी नाम सुना है तुमने, कोयले की जला देते हैं, आग लगा देते हैं, उसके ऊपर बुझा देते हैं और मतलब अंगारे जलते रहते हैं, ठंड के मौसम में उसको रख देते हैं और खुद सो जाते हैं, गेट वेट पूरा पैक कर देते हैं, कमरा अच्छे से गर्म हो जाएगा, कमरा तो नहीं बोलना चाहिए, वहां उस टाइम झोपड़ी जो होती है उसको पैक कर देते हैं अच्छे से, सो जाते हैं वो। ठीक है, तो अब क्या होता है, खिड़की दरवाजे सब बंद है उसके अच्छे से पैक्ड बुरी तरीके से, अब वो सिगड़ी जल रही है, वो सिगड़ी के अंदर क्या उपस्थित है, क्या प्रेजेंट है, उपस्थित कई बार हिंदी मीडियम के वर्ड निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, बेसिकली वहां प्रेजेंट है क्या, कोल। अब कोयल का क्या होगा, अब कोल ने शुरुआत में धीरे धीरे कंप्लीट कंबशन करना स्टार्ट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसने क्या किया, बर्निंग स्टार्ट करी। तो जब तक वो कोल के अंदर मान लेते हैं अपन CH4 कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन कंटेंट प्रेजेंट है उसके अंदर, तो अगर उसके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ O2 उसको अगर कंबशन किया जाएगा तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल्सो द एनर्जी, इन चीजों का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब तक ये CO2 बनता जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जो रूम की जितनी ऑक्सीजन है धीरे धीरे कंज्यूम होती जा रही है, पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, तो बट रूम के अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो जैसे ऑक्सीजन की कमी आएगी रूम के अंदर तो क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, CO2। अब रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, थोड़े बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन भी है और CO भी प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन जब हम सांस लेंगे तो अगर तीनों गैसेस बॉडी के अंदर जाएगी तो मोर रेडिली विच विल बाइंड, ऑब्वियसली बात है कार्बन मोनोऑक्साइड विल बाइंड, उसकी एफिनिटी ज्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगी तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी आएगी और इंसान की सफोकेशन की वजह से सांस प्रॉपर नहीं आ पाएगा, इसी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, डेथ आ जाएगी, और गांव वाले ये बोल देंगे कि अरे उस घर में मत जाना वहां तो भूत है, और रात में सो रहा था वो अपने आप मर गया, बाकी वो मरा क्यों, क्योंकि उसने सिगड़ी जो जलाई थी उसके अंदर कोयले थे और कोयलों की बर्निंग की वजह से क्या हुआ, समय पता लगी गया हो। ठीक है, तो मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ पॉइजनस गैस, और ये एक क्या है, एक तरीके का पोल्यूटेंट है। ठीक है, और ये कई सेकेंडरी पोल्यूटेंट के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे देखें दूसरा क्या है हमारा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड का हमको समझ आ गया पोल्यूटेंट कैसे हो सकता है, दूसरा क्या है आपका, ओजोन है। अगर अपन ओजोन की बात करें तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जरा देखें अगर अपन, तो हम जानते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वहां पर आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट मतलब एच न्यू लिख दिया मैंने, एच न्यू, एच इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला एनर्जी का E इज इक्वल टू एच न्यू वेयर न्यू कैन बी सी अपॉन लैम्डा, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड E इज द एनर्जी। चलो सब तो बात होगी, छोड़ो उसको, है ना। अब क्या होगा,
अब क्या होगा यहाँ पर, अगर अपन यहाँ NO2 भी ले लेते हैं तो यहाँ पर एक तो नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या फॉर्मेशन होगा, NO का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी ये हाईली अनस्टेबल, बहुत फटाफट रिएक्ट करती है, तो ये क्या काम करेगी आपका जो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर पर, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ समझना, बताऊँ ट्रोपोस्फेयर में है ना, इसके साथ ये क्या करेगी बाइंड करेगी एंड इट विल फॉर्म द ओजोन लेयर, ओजोन। तो दो तरीके की ओजोन, अब तुम बोलोगे सर ओजोन आप पोल्यूटेंट कैसे बोल सकते हो, हमने सुना था बहुत शानदार लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है जो हमारे को यूवी रेडिएशन से बचाती रखती है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो आपकी ओजोन है वो हमारे लिए फ्रेंडली है, वो आपकी यूवी रेडिएशन एंड काफी हद तक इंफ्रारेड रेडिएशन को भी रोकती है वहां पर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्किन कैंसर नहीं हो पाता हमको। बट जो आपके ट्रोपोस्फेयर पे यहाँ पर जो आपके एनवायरनमेंट में जहां पर जो बन रही है वो कौन सी, ये हार्मफुल ओजोन है, ये वाली वो ओजोन है, ये आपके क्या है हार्मफुल है, इट विल एक्ट एज अ पोल्यूटेंट और यही प्राइमरी पोल्यूटेंट, इट विल कंबाइन विद अदर ऑक्साइड्स आल्सो टू फॉर्म द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यही वो ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर वाली है वो बैड ओजोन कहलाती है, वेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपकी वहां पर ओजोन लेयर है वो है हमारे लिए गुड ओजोन लेयर, वो हमारे लिए फ्रेंडली है बट ये हमारे लिए क्या है बैड है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखें अगर अपन ऑक्साइड्स की बात करें तो अब जरा मुझे एक चीज बताना, हल्का सा सोच के बताना भाई है, अभी अभी अपन ने ये रिएक्शंस लिखी थी, अगर मैंने बोला कि इस हाइड्रोकार्बन का जो हमेशा कोई हाइड्रोकार्बन प्योर तो होता नहीं है, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर और भी मेटल्स प्रेजेंट होते ही हैं, तो अगर यहाँ पर मैं नाइट्रोजन जोड़ दूँ साथ में या सल्फर जोड़ दूँ यहाँ पर, तो क्या नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेंगे, तो क्या अगर मैं लिखता हूँ इसके साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाया तो क्या एनओ एक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है अभी ध्यान रखना 1 2 3। और अगर मैंने बोला यहाँ पर मैं सल्फर जोड़ देता हूँ सल्फर प्लस ओ टू, तो क्या यहाँ पर एसओ टू का फॉर्मेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं दीज ऑक्साइड आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ पोल्यूटेंट्स, ठीक है बात समझ में आ रही अच्छे से। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमें जो फ्यूल यूज में लेना है वो प्योर फॉर्म में ले जितना ज्यादा अच्छा है, जितना अच्छा फ्यूल यूज में लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। अगर हम लकड़ी को जलाएंगे कोयले को जलाएंगे तो वो क्या है इम्प्योर फ्यूल है, क्योंकि उसके अंदर आपके दूसरे छोटे मोटे एलिमेंट्स बहुत सारे प्रेजेंट है और वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनके खुद के ऑक्साइड्स बना लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से, नहीं समझ में आ रही है, आ रही है बहुत बढ़िया, चलो आगे देखें। तो ऑक्साइड भी समझा गया, पार्टिकुलेट मैटर की बात में अब हम नहीं बताने वाले, बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में जो मिलते हैं आपको वो सब क्या हो जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि यहाँ पर बात सीधी सीधी ये हो रही है कि इनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होने की वजह से वो एनवायरमेंट सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, ह्यूमिड और ह्यूमिड एनवायरमेंट में तो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, तो उस टाइम पर जब आप सांस भी लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर आसानी जाएगा अस्थमा ब्रोंकाइटिस पता नहीं जने कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती है। लेड की बात भैया अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद बताएंगे, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज में लिया जाएगा, लेड फ्री पेट्रोल यूज में लेंगे, क्यों लेड क्या करता है कैटेलिक की एक्टिविटी कम कर देता है किसकी निकल प्लेटिनम प्लेडियम की, ये सब बताने वाली बात है अभी नहीं बता रहे, अभी हमें ये ध्यान रखना है कि पोल्यूटेंट के कुछ एग्जाम्पल है और साथ में हम लगा देते हैं क्या ई टी सी और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, पर हमने एक सिंपल फॉर्म में ले लिए कि ये पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, बाकी डिफ्रेंशिएशन में तुम्हें पहले बता चुका हूँ किसका किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, भाई हम कंट्रोल कैसे करें, तो सबसे पहला हम कंट्रोल कर रहे हैं किसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, चलो हटो मैं यही समझाने वाला हूँ इस चीज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है भाई देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर क्या होता है, सपोज मेरे को समझना मैं क्या करता हूँ कि एक पर्टिकुलर पाथवे होता है यहाँ पर, यहाँ पे एक चैम्बर बना के रखते हैं एक तरीके से इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रोड्स बना दिए जाते हैं, मतलब एक को तो साइन दे दिया जाता है कौन सा नेगेटिव और एक को दे दिया जाता है कौन सा पॉजिटिव, है ना, दो इस तरीके से, और यहां पर मान के चलो प्लेट्स अरेंज कर दी जाती है, प्लेट्स अरेंज होती है ये सारी, और एयर का जो इनफ्लो है वो इधर से अलाउ किया जाता है कि हाँ भाई एयर अंदर आए इधर से, ठीक है, जैसे इसके अंदर करंट पास आउट होता है तो यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से यहां का जो एनवायरनमेंट है वो आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज मतलब कि उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं बहुत सारे,
अब एयर के डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, एयर के अंदर डस्ट भी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो डस्ट पार्टिकल किससे किसकी उसके आसपास जो भी डस्ट पार्टिकल है, सपोज दिस इज द डस्ट पार्टिकल ये वाला, तो इसके आसपास कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आके जुड़ जाएगा इससे। तो ऑब्वियस सी बात है डस्ट पार्टिकल जो पहले न्यूट्रल था उसके आसपास नेगेटिव वाला क्या हो गया, जुड़ चुका है उसके साथ, तो क्या ये चार्ज्ड हो गया? बिल्कुल बात है, डस्ट पार्टिकल चार्ज्ड हो गया है। तो अब ये चार्ज्ड पार्टिकल जो डस्ट चार्ज्ड पार्टिकल है किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। पर ध्यान रहे यहां पर स्पीड इतनी फास्ट नहीं करनी है, एयर ब्लो की इतनी फास्ट स्पीड नहीं कर सकते कि फटाक से निकल जाए, थोड़े बहुत ही अट्रैक्ट हो बाकी कोई फर्क नहीं पड़े। एयर की स्पीड बहुत धीरे रखी जाती है जिसकी वजह से आराम से ये इससे जुड़ेंगे और आराम से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। आइए बस समझ में अच्छे से। तो इस तरीके से हमने डस्ट पार्टिकल से क्या करते हैं, नेगेटिव फॉर्म में हम लेते हुए आ रहे हैं जिसकी वजह से वो सारे कहां जाते हैं, यहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेट मतलब कि हमने इसको ग्राउंड फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर दिया है, और इलेक्ट्रोस्टेटिक मतलब कि कोई ऐसा चार्ज जो स्टेटिक फॉर्म में है, अगर चार्ज मूव करने लग जाएगा तो उसको तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना चालू कर देते हैं, बट अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसको अगर अपने स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, जब तक चार्ज रुका हुआ है तब तक आप पढ़ते रहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे ही चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया आप नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दे तो दैट इज नॉन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है चलो, तो ये तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा, एक आता है स्क्रबर। स्क्रबर क्या चाहिए, अरे स्क्रबर वो नहीं है भाई जो हम घर में यूज में लेते हैं भाई चेहरे पे लगाने वाला, वो स्क्रबर नहीं है, एक दूसरा स्क्रबर है। स्क्रबर के अंदर क्या होता है बेसिकली समझना है यहां पर इस तरीके से, यहां से क्या डाली जाती है अंदर, एयर डाली जाती है, जहां से एयर, ठीक है, और यहां से डाला जाता है क्या इसके अंदर, लाइम वाटर। मतलब कि आप मान सकते हो लाइम प्लस वाटर दोनों डालते हैं साथ में, तो जो बोल सकते हो आप कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं इसके अंदर, एयर जा रही है भाई, एयर इसके अंदर, अभी कैसी एयर है, इंप्योर एयर है, तो जो ऑक्सीजन है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना, अरे बात समझ में, कोई ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसके पास आपके जो दूसरे इंप्योरिटीज और दूसरे ऑक्साइड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने बोला कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड भी इसके अंदर प्रेजेंट है तो इंप्योरिटी, वो जब जाएगा तो वो इससे क्या करेगा, यहां पर रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, CaSO3। और CaSO3 का जो फॉर्मेशन होगा, तो जैसे ही यहां पर CaSO3 का फॉर्मेशन हुआ, वो चीज कहां हो जाएगी, नीचे यहां पर सेटल डाउन हो जाएगी एज अ प्रेसिपिटेट, यहां प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और जो आपकी फ्रेश एयर थी वो यहां बाहर निकल जाएगी। अरे बात समझ में अच्छे से, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल सा ये काम किया कि यहां पर जो इंप्योर एयर थी, इंप्योर, उस इंप्योर एयर को हम लेकर आए, उसके अंदर बहुत से दूसरी इंप्योरिटीज होंगी, बट हमने एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया SO2, ठीक है ना, NO2 भी ले सकते हो और आप दूसरे दूसरे और भी सब ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान नहीं, एसिड बेस रिएक्शन चल रही है, क्यों, मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना, ध्यान रखना। और हम जानते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो अब जैसे ही जाएगा तो रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा तो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, तो जो भी इंप्योरिटीज हैं बाय मींस ऑफ लाइम वाटर, चाहो तो आप इसकी जगह MgO भी यूज में ले सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज में ले सकते हो, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट उनको यूज में ले सकते हो, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से यहां प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा, तो आपने एयर को क्या कर दिया, जो इंप्योर थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फ्रेश एयर, तो ज्यादा अच्छा मैं बोल दूं क्या, प्योर, आदि वासन में अच्छा, जल्दी बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोलो फटाफट, नहीं दिक्कत जल्दी से कॉपी करो फटाफट, ठीक है। आगे देखें तो आप देख सकते हैं अपन, हम
देख सकते हैं आगे क्या है, देर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलर मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर व्हिच कैन रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में ज्यादातर क्यों यूज में ले रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम जानते हैं वहां पर कंबशन रिएक्शन हो रही है, कंबशन रिएक्शन अगर वहां पर हो रही है तो वहां पर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, इसी वजह से इसको थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, आगे देखें, ये चीज अभी अभी अपन ने पढ़ी, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन आर अटैच्ड टू डस्ट पार्टिकल्स गिविंग देम अ नेट नेगेटिव चार्ज, दीज कलेक्टेड प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल्स, द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। हम फास्ट इसको नहीं ले जा सकते, मैंने अभी अभी दो मिनट पहले ही बोली ये बात। ठीक है, आगे देखें, अब स्क्रबर की बात करें, अभी अभी अपन ने देखा था कि स्क्रबर कौन सा, जिसमें अपन ने लाइम को यूज में लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज में ले सकते हो, वाटर भी यूज में ले सकते हो। स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन स्क्रबर, द एग्जॉस्ट इज पासेस थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, और बता दिया उसमें अपन ने क्या क्या किया, अभी अपन देख चुके हैं। तो अगर अपन बात करें सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बोला है, उसने बोला पार्टिकल साइज जो अगर है 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब कि 2.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर की साइज का अगर कोई भी है या उससे कम डायमीटर का है तो उसी को क्या माना जाएगा, एक पोल्यूटेंट माना जाएगा, मींस एयर पोल्यूटेंट माना जाएगा, एंड दैट विल बी ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जबसे ज्यादा क्या है हार्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली हम जानते हैं सिंपल यही आपके अस्थमा के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है भैया ना, हमने एनसीईआरटी की सब बेसिक नॉलेज है, सारे पॉइंट्स हम यहाँ कवर करते चल रहे हैं, हम एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको जो कवर करने के लिए जाते हैं जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। बट इसको समझाने के लिए पहले पढ़ लेते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ पूरा कि क्या चीज है ना, रुक जाओ, इसको अपन कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा। चलो, हमने बोला कि जो आपके बेसिकली ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है ना, उन ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, क्या प्रेजेंट है, पेट्रोल है, पेट्रोल से अपन जब उसको पेट्रोल है तो पेट्रोल में कंबशन होगा, पेट्रोल का कंबशन होगा तो क्या बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन एंड वाटर में बनना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब कि हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं बेसिकली, बट अगर अपन वहां पर उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर देंगे तो वहां आग लगने का डर है। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पर क्या प्रेजेंट है, आपका इंजन है, तो इंजन को इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि आपको क्या निकले बाहर, एग्जॉस्ट में गैसेस की फॉर्म में बाहर निकले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस निकले। अब क्या होगा, हमने बोला है कि कई बार आपकी जो पेट्रोल है उसके अंदर क्या मिलता है, आपको लेड मिलता है, और लेड क्या काम करता है, लेड एक बहुत शानदार काम करता है, शानदार नहीं बोलना चाहिए बट काम खतरनाक करता है। वो क्या करता है कि वो जो प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे जो कैटलिस्ट हैं उनको डीएक्टिवेट कर देता है, क्या करता है उनको डीएक्टिवेट, किसको, प्लेटिनम और पैलेडियम को। ठीक है, और प्लेटिनम और पैलेडियम क्या काम करते हैं, ये एक छोटा सा काम करते हैं कि जो ज्यादा हार्मफुल गैसेस हैं उसको कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, ज्यादा हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने का ये काम करते हैं, इसी वजह से इनको अपन बोलते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर्स, दे कन्वर्ट द मोर हार्मफुल गैसेस इनटू लेस हार्मफुल गैसेस। तो अगर लेड प्रेजेंट है पेट्रोल के अंदर तो लेड क्या काम करेगा, इस प्लेटिनम पैलेडियम को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, तो जो ज्यादा हार्मफुल गैसेस है वो उसी फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलोंग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे एमिट। कैसे करेंगे अभी देखते हैं अपन। Catalytic converters having expensive metal, namely platinum, palladium, and rhodium as the catalyst, are fitted into automobile for reducing emission of poisonous gases. क्या रेडियम रोडियम प्लेटिनम पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट को यूज में लिया जाता है जिसकी वजह से जो पॉइजनस गैसेज हैं वो उसका एग्जॉस्ट ना हो सके। As the exhaust passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कि हमने क्या बोला कि जैसे ही इस कैटलिटिक कन्वर्ट से आपके अनबर्न हाइड्रोकार्बन जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि अपन ने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका नाइट्रोजन गैस में थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। तो ये जो कन्वर्जन है, दैट कन्वर्जन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट आर नोन एज पैलेडियम प्लेटिनम रोडियम भी ले लो चाहो तो।
तो अगर अब ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, ये क्या काम करते हैं, ये आपके ज्यादा हार्मफुल को कम हार्मफुल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ज्यादा हार्मफुल को कम हार्मफुल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि लेड प्रेजेंट है किसके अंदर, डीजल एंड पेट्रोल के अंदर, तो वो लेड क्या काम करेगा, इनको डीएक्टिवेट कर देगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एनओ है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या ये CO2 और N2 रेस्पेक्टिवली में कन्वर्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो मतलब कि ये तो थे मोर हार्मफुल और ये थे लेस हार्मफुल। तो मोर हार्मफुल विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल, दे विल रिमेन मोर हार्मफुल। तो मोर हार्मफुल गैसेज ही एनवायरमेंट में निकलेगी बाहर, ठीक है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो यूज में लिया जाए उसके अंदर आपका जो लेड है, उसके अंदर बेसिकली जो लेड है पीबी, ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लेड है तो दिस डीएक्टिवेट द दिस कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट को क्या कर देगा, ये डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलो, मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटलिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो मतलब सिंपल चीज क्या कहते हैं, जो यहां पर आपके मोर हार्मफुल थे, मोर हार्मफुल को कैसे भी करके हमको लेस हार्मफुल के अंदर कन्वर्ट करना था। नो डाउट CO2 ग्रीन हाउस गैस है, ये भी हार्मफुल है, बट हमारे लिए इससे ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो मोर हार्मफुल था उसको खत्म करना चाह रहे हैं हम कैसे भी करके। बात क्लियर है। चल आगे देखें। इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981 बट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। नॉइज इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, मतलब कि अपन नॉइज पोल्यूशन को डेसीबेल में काउंट करते हैं, एक यूनिट है जो नॉइज पोल्यूशन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज भी क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। जल्दी से फटाफट अपन कॉपी करें।